भाजपा की सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीमा बघेल को भाजपा की सदस्यता दिलाई, तो वहीं नामांकन रैली में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई। दुर्ग लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद चुनावी हलचल बढ़ चुकी है। आज दुर्ग लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाजपा से विजय बघेल बड़े ही सादगी के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान भाजपा ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुर्ग के मानस भवन में आम सभा का आयोजन किया। आम सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। तो बहुत बहुत आप मल्ला धन्यवाद। और ये जो कांग्रेसी मन है छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करें, ठगे के काम करें। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाला मामला सामने आया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की रिश्ते में भाभी लगने वाली सीमा बघेल ने भाजपा का दामन थामते हुए बीजेपी में प्रवेश किया, जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने खुद भाजपा की सदस्यता दिलाई। हिसाब लगा लो कि जेन एक धन परिवार छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो, जोरदार आप ताली बजाओ आदरणीय सीमा बघेल जी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जंगी नामांकन रैली की शुरुआत हुई। इसमें शामिल न होकर मुख्यमंत्री वापस रायपुर लौट गए, जिसके बाद भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मानस भवन से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक भव्य रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी। बहुत उत्साहजनक वातावरण है, बहुत ऊर्जावान है और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई आर एस बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। पूरे जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार कर किया जा रहा है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं साहू समाज के भाई दीपक साहू जी हैं हमारे साथ, विजय साहू जी हैं, बहन तुलसी जी हैं, सारे हमारे जो और साहू समाज के, और साहू समाज की भावना जब से माननीय ताराचंद साहू जी यहाँ थे और ताराचंद साहू जी ने जो अलग जगाया और इस कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने वाले माननीय ताराचंद साहू जी थे, आज उन्हीं के हम लोग शिष्य के रूप में आज उस परंपरा का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बेटे की तरह वो प्रेम करते थे, स्नेह देते थे, आज वही भाव आज भी साहू समाज के लोगों का मेरे प्रति बना हुआ है। मैं भी अपने समाज का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ। माननीय ताराचंद साहू जी भी साहू समाज के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किए और कभी भी समाज और राजनीति में कंट्रोवर्सी उन्होंने नहीं लाई। ये मूल स्वभाव साहू समाज का है और साहू समाज भी पूरे देशभक्ति के साथ राष्ट्रहित को ही मेन अपना उद्देश्य मानकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा रही है ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यह देश सुरक्षित रहे। अब जीत का समय बहुत कम है, जीत का क्या डिफरेंस रहेगा पिछले बार की तुलना में? ये तो जनता जनार्दन के ही श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं, हमारे जाबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। इस बार 6 लाख से पार। थैंक यू। आज हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी वर्तमान सांसद श्री विजय बघेल जी का नामांकन रैली था। उनके नामांकन रैली में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया मोदी गारंटी को 4 महीने में साया साया लोगों को करने वाले आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित थे आशीर्वाद देने के लिए। हमारे डिप्टी CM आदरणीय अरुण साहू जी उपस्थित थे, उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया और आज यहाँ हम नामांकन के लिए आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ दूरी तक हम लोग साथ रैली में थे।
और उनके आशीर्वाद से हम सब फिर से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 जून को आप रिजल्ट देखेंगे, 7 मई को दुर्ग की जनता 6 लाख वोट से ज़्यादा वोट से माननीय विजय बघेल को चुनाव जिताएगी। विकसित भारत संकल्प की क्या तैयारी? मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज हम देख रहे हैं भारत विश्व के अर्थव्यवस्था के पटल पे, जो हमारा स्थान 2014 तक 13वें पे था, आज हम 5वें स्थान पे हैं, हम 8वें स्थान पे हैं। और बहुत जल्द मोदी जी का ये संकल्प है कि भारत के विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका तीसरे स्थान पे रहेगी। इसके लिए विकसित भारत की उन्होंने जो परिकल्पना की है, आप बहुत जल्द ये 2029 के आते तक आप भारत को विकसित रूप में तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की हमको देखने को मिलेगी। लगातार कांग्रेसी भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, भाजपा में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को मालूम है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कोई उसमें डूबना नहीं चाहता। जो होशियार लोग हैं वहां से पहले छलांग मांग कर वो भाजपा में आ रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।